एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया गया। जब वो चिल्लाई तो उसके मुंह में भी मिर्च का पाउडर डाल दिया गया। उसे मारा गया और जब वो चिल्ला रही थी, मिर्च का पाउडर उसे लग रहा था, तो उसके मुंह को फेबी क्विक की मदद से बंद कर दिया गया। आखिर ये दर्दनाक घटना उसके साथ क्यों घटी? ये सिर्फ और सिर्फ लड़की की एक छोटी सी गलती थी कि उसने किसी से प्रेम कर लिया था और प्रेमी ने कुछ इस कदर से अपना प्रेम निभाया कि मिर्च, दर्द, पीड़ा, यही सब उस लड़की को हाथ लगा। आखिर उसके प्रेमी ने ऐसा किया क्यों? आखिर पुलिस की एंट्री हुई तो हुआ क्या? सब कुछ इस स्टोरी में आपको हम विस्तार से बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक 23 वर्ष की लड़की से, जो अपने पड़ोस में ही एक लड़के से प्रेम करती है। लड़के का नाम होता है आयान पठान। लड़की का प्रेम बहुत घनिष्ठ होता है इस लड़के के लिए, और शायद ये लड़की भी यही समझती है कि लड़के का भी प्रेम उस लड़की से बहुत घनिष्ठ है। लेकिन ये प्रेम जब आगे बढ़ा, तभी उस लड़की के माँ को भी पता चलता है कि ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, और लड़की की माँ उस लड़के से दूरी बनाने को अपनी लड़की को कहती है। यही नहीं, अपनी बेटी को लेकर के वो शिवपुरी निकल जाती है, और शिवपुरी होने के बाद वो वापस घर पे आते हैं। माँ और बेटी जब घर पे पहुँचे थे, उसके बाद ही वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने प्रेमी के यहाँ चली जाती है उसके साथ रहने के लिए, और वो दोनों तब से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं उसी लड़के के घर। और उसी घर में उस लड़की के साथ वो चीज़ होती है जो आपको कंपा देगी। लड़की तो सिर्फ यही समझ रही थी कि हम उस लड़के से प्रेम करते हैं, वो लड़का भी हमसे वही प्रेम करता है, और इसीलिए लड़की उस लड़के के घर पे रहने चली जाती है और वो वहीं पे रहती है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है और उसके बाद वो लड़का एक दिन कुछ कहता है। वो लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे माता के पास जो घर है, अपनी माँ को बोलो कि वो घर मेरे नाम पे कर दे। लड़की को ये सुनकर के विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी लड़का यही बात बोल रहा था कि अपनी माँ का जो मकान है वो मेरे नाम पर करवा दो। दरअसल लड़की का जो परिवार था, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ और वो लड़की, यही दोनों मिलकर के एक परिवार बनाते थे। यानी इसके परिवार में और कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही थी। हालांकि जब ये बात पता चली लड़की को कि लड़का का इंटरेस्ट जो है वो मुझसे ज़्यादा मेरे माता के घर में है, तो लड़की को कुछ अलग सा लगा। लड़की ने उसके बाद अपने प्रेमी से थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू किया। लेकिन पठान का तो कुछ और ही मकसद था। लड़की अभी भी सोचती है कि शायद वो ऐसे ही है, लेकिन पठान का मकसद साफ था कि उसे उस लड़की के माता के पास जो घर था उसे लेना था, किसी भी कीमत पर लेना था। जब लड़की उससे दूरी बनाती है तो पठान को बुरा लगता है और वो फिर उस लड़की को कैद कर लेता है। घर के पिछले हिस्से में उसे बंधक बना करके रखने लगता है, और यहाँ से फिर एक और दिन की शुरुआत होती है जो दिन खौफनाक पे खौफनाक होती चली जाती है। लड़की से वो लड़का यानी पठान हमेशा कहता कि अपनी माँ से बोलो कि वो घर मेरे नाम पर कर दे। लड़की नहीं मानती और फिर वो लड़की पिटती, इतनी पिटती कि हालत ख़राब हो जाती। लड़की को बंधक बना लिया गया था, घर से बाहर निकलना नहीं था उसे, क्योंकि निकलने दिया ही नहीं जा रहा था पठान के द्वारा। अब लड़की की पिटाई पाइप और बेल्ट से होती है, वही पाइप जो कि नल के लिए काम करता है, जो प्लास्टिक का पाइप होता है जिसमें पानी जाता है, उसी पाइप से लड़की की हमेशा पिटाई शुरू कर दी जाती है। लड़की बेबस बाहर जा नहीं सकती किसी भी कीमत पे, क्योंकि उसे घर के पिछले हिस्से में बंदी बना लिया गया है। लड़की करे भी तो करे क्या, अब पछता करके भी क्या होने वाला था। पर पठान की नीयत तो साफ थी कि मुझे किसी भी कीमत पर वो घर चाहिए है तो चाहिए है बस। आरोपी जो पठान है वो पेशे से मजदूर था, उसका भाई भी मजदूर था, और उसके परिवार के जो आर्थिक हालात थे वो नाजुक थे, या फिर कह सकते हैं कि वो नाजुक हैं अभी तक। वो व्यक्ति
पठान जिससे वो लड़की प्रेम करती थी वो नशे भी करता था और जो मोहल्ले वाले हैं उनको गालियां भी देता था। यानी मोहल्ले वालों से भी उस लड़के का बनाव बिल्कुल भी नहीं था। मोहल्ले वाले उस लड़के को बुरा मानते थे और बुरा था भी, क्योंकि लड़के ने आगे जो काम किया वो दिल दहला देने वाला था। लड़की लड़के की सच्चाई जान करके दूर जाने की कोशिश करती, पर लड़के का मकसद सिर्फ यही था कि मुझे तो घर चाहिए है। और जो ही लड़की दूर जाने की कोशिश करती, पिटाई होनी ही थी। आयान पठान ने 17 अगस्त को सारी हदें पार कर डाली। लड़की को इतना मारा कि हद क्रॉस कर दिया। लड़की की आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया। लड़की जब चिल्लाई तो उसके मुंह में भी मिर्च का पाउडर डाल दिया, यहां तक उसको बेल्ट से मारा। लड़की का आवाज बाहर ना निकले इसलिए फेवी क्विक जो आता है मार्केट में उससे लड़की का मुंह बंद कर देता है, हैवानियत की हदें पार कर देता है। लड़की को इतना मारता है कि लड़की अधमरी सी हो जाती है। सोचो कि उस लड़की के आंखों में मिर्च का पाउडर है, लड़की के मुंह में मिर्च का पाउडर है, पानी वो पी नहीं सकती क्योंकि मुंह सीज है। फेविक्विक की मदद से लड़की को पीटा जा रहा है। लड़की की दशा उस समय क्या रही होगी? लड़की की तो गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि वो प्रेम समझ करके आती है और लड़की को प्रेमी के द्वारा जो दिया जाता है वो यही था कि लड़की के साथ जो हद हद से भी ज़्यादा क्रूरता बरती जाती है प्रेम के रूप में। हालांकि लड़की कुछ समय बाद ही चंगुल से आज़ाद होती है कैसे भी करके, क्योंकि वो अब देख चुकी थी कि ये किस हद तक जा रहा है लड़का। अब लड़की घर से बाहर निकल जाती है, कैसे भी करके घर से बाहर निकल जाती है और उसके बाद भागती हुई अपने माँ के घर पहुँच जाती है। जब उसकी माँ अपनी लड़की को देखती है तो कंडीशन कुछ भयावह थी। उसके शरीर पे जगह जगह चोट के निशान, क्योंकि वो बेल्ट से पाइप से मारता था। साथ ही साथ उसकी आंखें सूजी हुई क्योंकि उसमें मिर्च का पाउडर लगा था। मिर्च भयावह होता है, आपको अनुमान ही होगा कि वो जब हम खाते हैं तो क्या हालात हो जाते हैं। वो तो आंखों में मिर्च का पाउडर डाला था, साथ ही साथ उसके मुंह में भी मिर्च का पाउडर, मुंह भी सीज है फेविकोल की मदद से, फेविक्विक के मदद से। भयावह हालात में लड़की की माता भी डर जाती है और वो तुरंत ही पुलिस को फोन लगाती है या फिर पुलिस से कांटेक्ट करती है। देखिए एक बात मैं आगे स्टोरी को बढ़ाने से पहले कह दूं कि बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ये स्टोरी पता चली, बहुत सारी बारीकी से देखने के बाद ये सब कुछ पता चला। लेकिन कुछ त्रुटियां हो सकती हैं कि कुछ घटनाएं इधर उधर मिसमैच कर सकती हैं, शब्दों में मिसमैच, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत कुछ बताते हैं तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो स्टोरी चलती है वो इसी प्रकार से चलती है। तो अगर थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाए या फिर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आप समझ सकते हो कि वो होता रहता है। अब इस स्टोरी को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। लड़की जब देखती है उसकी माँ तो वो भी सहम जाती है, देखती है हालात बहुत बुरे हालात होते हैं लड़की के। माता उसकी कांटेक्ट करती है पुलिस को, पुलिस तत्परता दिखाते हुए लड़के को पकड़ लेती है। पुलिस लड़के को पकड़ करके सब कुछ उगलवाती है, साथ ही साथ पुलिस रेप के मामलों के तहत लड़के के ऊपर FIR दर्ज कर लेती है। लड़के से जाकर के ये पुष्टि भी करती है सब कुछ होता है और ASP मान सिंह ठाकुर कहते हैं कि आरोपी को रिमांड पर ले लिया गया है, जो भी ये प्रोसेस है वो किया जा रहा है और आगे जो भी इसमें कड़ाई बरतनी होगी वो बरती जाएगी। साथ ही साथ ये मामला और भी आगे गया है और जो हड़पना चाहता था लड़की का घर लड़का वो तो अरेस्ट हो ही जाता है, लेकिन साथ साथ उसके घर के ऊपर भी, यानी घर के आगे एक नोटिस लगा दिया जाता है। नोटिस ऐसा कि उसके घर के मकान का आगे का हिस्सा जो था 375 फीट का, वो हिस्सा सरकारी जमीन में बना होता है और इसीलिए इस घटना के होने के बाद अब 375 फीट का जो हिस्सा है उस लड़के के घर का वो तोड़ दिया जाएगा। अभी टूटा नहीं है या फिर वीडियो अपलोड करने से पहले टूटे बाद में टूटे, लेकिन जो बातें निकल के आई हैं वो यही हैं
कि लड़के के 375 फीट घर का जो हिस्सा है आगे का वो सरकारी भूमि पे बना हुआ है, इसीलिए उसको तोड़ दिया जाएगा। यानी जो लड़का दूसरे की जमीन, दूसरे की घर लेने की ख्वाहिश रखता था, आज उसी के कारण उसको तो जेल होगी ही होगी, लेकिन उसके घर को भी तोड़ा जाएगा। जो दूसरे का घर लेना चाहता था, आज उसी का घर टूटेगा उसी के कृत्यों की वजह से, और वो भुगतेगा। कहते हैं कि आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको भुगतना ही होता है, और शायद यहाँ वो लड़का भुगतेगा। अब बहुत सारे लोग लड़की को गलत कहेंगे, मुझे यकीन है, आकर के कमेंट सेक्शन में। तो आप थोड़ा सा धैर्य पूर्वक रखिए, देखिए प्रेम संबंध होते रहते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि एक सही हो जाए, अरेंज मैरिजेज भी शादियां होती हैं, उसमें भी लफड़े हो जाते हैं। हमें सतर्क रहना है, तो सिर्फ बुरे लोगों से रहना है। सभी प्रेम करने वाले बुरे नहीं होते, सभी अरेंज मैरिज करने वाले अच्छे नहीं होते। बहुत सारी रिपोर्टिंग्स मैं देखता रहता हूँ और मुझे यही लगता है कि ऐसा ही है। हमें बस सतर्क रहना है, तो बुरे लोगों से रहना है, और वो कहीं भी किसी रूप में हो सकते हैं, आपके अगल बगल या फिर कोई भी हो सकता है। खैर, इस स्टोरी से आपको क्या मिला जानने को, ये बताइए, और जो भी आपको पता है इस केस के बारे में या फिर कोई अन्य केस के बारे में जो आप चाहते हो कि दुनिया देखे और इससे लोगों को ज्ञान मिले, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। नाम है अंकित सिंह। राम राम, मैं हूँ अंकित सिंह, दो बार बता दिया। चलिए मिलते हैं।